छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ने वाला चुनाव है। भाजपा की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। छत्तीसगढ़ में ये एक मुद्दाहीन पार्टी है। भाजपा के चुनावी भाषणों में सिर्फ ध्रुवीकरण का मुद्दा है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते, ये बोलने का साहस मैं ही कर सकता हूँ। मैंने संसद में भी ये बात कही है, बस्तर के स्टील प्लांट नगरनार को केंद्र निजी हाथों में सौंपना चाहता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, संघीय ढांचे का पालन नहीं हो रहा। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भेदभाव की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। भेदभाव का जवाब जनता चुनाव के समय देगी। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो हमारा चुनावी अभियान है, हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारे गारंटी है, जो हमारे वादे हैं, ये स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता की जो चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो उम्मीदें हैं, उसको हम हमारे अभियान के द्वारा दर्शा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, यहाँ दो ही पार्टी हैं मुख्य पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दाहीन पार्टी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ वो प्रधानमंत्री आएंगे, आए हैं, आएंगे, गृहमंत्री आए हैं, आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, और उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण की। आपको याद होगा 16 तारीख को गृहमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, 18 तारीख को असम के मुख्यमंत्री आए थे, और उनके चुनावी भाषणों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। हमने शिकायत की, मैं खुद गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग से मिलने, और उन्होंने नोटिस असम के मुख्यमंत्री को दिया है, जो कवर्धा में उनका भाषण था। हालांकि अब तक उन्होंने गृहमंत्री के बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है, पर हम उम्मीद करते हैं कि गृहमंत्री का भाषण भी उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। पर ध्रुवीकरण के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। और जो दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, अभियान के लिए, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री लोग जो आएंगे, सिर्फ इसी भावना से आएंगे, हम किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण को हम और प्रोत्साहन कैसे दें, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम डरते नहीं हैं। पर मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनावी टक्कर है, एक तरफ एक राज्य सरकार जिसकी 5 साल की उपलब्धियां हैं, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है, जो सिर्फ ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे, पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं जरूर पत्रकार सम्मेलन में ये कह सकता हूँ
कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। वो छत्तीसगढ़ आए, गृहमंत्री भी आए, और नगरनार के स्टील प्लांट इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले ढाई साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी हुई है, और आज कहते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा। पर सबूत है, और मैंने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मैंने खंडन किया था कि मोदी सरकार खुद निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं बस्तर के स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज बस्तर का स्टील प्लांट है, अगर मोदी सरकार को मौका मिले तो भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण वो करेंगे। कल प्रधानमंत्री दुर्ग पधारने वाले हैं, इसीलिए मैंने भिलाई का मिसाल लिया। हमारे देश का उद्योगीकरण भिलाई से शुरुआत हुई थी, भाखड़ा नंगल और भिलाई से शुरुआत हुई थी, और जिस तरीके से हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, बिजली के घर हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इनका निजीकरण हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि किस कंपनी के पक्ष में निजीकरण हो रहा है, पर निजीकरण हो रहा है, और आप लोग सब जानते हैं एक ही कंपनी खरीद रही है। ये नगरनार तो एक शुरुआत थी, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं और गृहमंत्री कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। पर हकीकत यह है कि अक्टूबर 2020 से लेकर मोदी सरकार लगी हुई है इस प्लांट को निजीकरण करने में, और भिलाई भी है। और आपको मैं कह दूं, यह पहला मिसाल नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोरबा में जो बालकोप का प्लांट हुआ करता था, उसका निजीकरण वाजपेयी जी के जमाने में हुआ, 2000 सन 2001 या 2002 में हुआ।